साहस सरोकार। केरल पहुंची कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी का कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन पर देश भर में राजकीय शोक, सम्मान में झुका राष्ट्रीय ध्वज। सऊदी में भारतीय समुदाय से मिले विदेश मंत्री, बोले जो कोई नहीं कर पाया वो भारत ने कर दिखाया। देश में घटी कोरोना की रफ्तार, बीते 24 घंटे में मिले 5076 नए केस। पहले T20 में भारत को मिली 9 विकेट में करारी हार, नहीं चला हरमन और माधुआ का बल्ला। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की खबरों का। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ आज बागपत ग्रेटर नोएडा में दौरे पर जाएंगे। बता दें कि सीएम नोएडा में पीएम मोदी के कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण करेंगे और भी कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इसके साथ ही नोएडा में सिटी बस टर्मिनल का निरीक्षण करेंगे। 157 करोड़ की लागत से ये सिटी बस टर्मिनल बना है। बता दें कि आज ही सीएम योगी बागपत में दौरे पर रहेंगे। सुबह 10:30 बजे पुलिस लाइन हेलीपैड सीएम पहुंचेंगे, वहां से मकी कला स्पोर्ट्स स्टेडियम के लिए रवाना होंगे और स्थलीय निरीक्षण करेंगे। इसके साथ ही सीएम स्टेडियम में प्रतिभाशाली खिलाड़ियों से संवाद भी करेंगे। खबर गोंडा से है, जहां विधानसभा क्षेत्र गोला के जनप्रिय विधायक अरविंद गिरी के निधन पर विकास खंड कर्नलगंज के बाबागंज चौराहे पर शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता महंत रमाशंकर गिरी और संचालक अवधेश गोस्वामी ने किया। इस दौरान उन्होंने स्वर्गीय अरविंद गिरी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किया और 2 मिनट का मौन रखकर मृत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। वहीं इस मौके पर भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। खबर गाजीपुर से है, जहां के छावनी लाइन बीजेपी कार्यालय पर राजभर समाज में प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान राजभर समाज के प्रबुद्ध लोगों ने जिला पंचायत सदस्य के साथ लोग मौजूद रहे। वहीं इस कार्यक्रम के दौरान मंत्री अनिल राजभर, ओम प्रकाश राजभर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव जी से मैं कहना चाहता हूं, पूरी समाजवादी पार्टी से कहना चाहता हूं कि जनभावनाओं का आदर करना, जिस दिन वो सीख जाएंगे तो जो उनका राजनीतिक अस्तित्व खत्म हो रहा है शायद वो भी बच जाए। सपा को कहाँ देख रहे हैं 2024 में? उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा की सीट जीतकर भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आज संकल्पित है, उत्तर प्रदेश की सरकार संकल्पित है, 80 की 80 सीट जीतकर हम लोग मोदी जी को देने वाले हैं। राजभर जी, अंतिम सवाल, राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा पे निकले हैं, किस निगाह से देख रहे हैं? देखिए, देश ने 66 बरस उन लोगों को मौका दिया, तब तो कुछ जोड़ नहीं पाए। अब उनका इतिहास रहा है देश को तोड़ने का, वो जोड़ने की क्या बात करेंगे। खबर मथुरा से है, जहां के पेंटिंग प्रेस पर बेसिक शिक्षा विभाग के लिए छापी जा रही किताब, क्लास 5 की हिंदी किताब में राष्ट्रगान में उत्कल बंग शब्द गायब हो जाने से महकमे में हड़कंप मच गया। वहीं कौशाम्बी में बांटी गई किताब में मिली गड़बड़ी के बाद वहां के BSA ने कहा है कि यह किताब मथुरा की एक पेंटिंग प्रेस पर छपी है, हो सकता है यह प्रिंटिंग मिस्टेक हो। हरदोई में टोडरपुर स्टेशन के सराय खास रेलवे फाटक पर तैनात गेटमैन सुनील कुमार ने आरोप लगाया कि करीब 2 साल से स्टेशन मास्टर विशाल वर्मा उसको प्रताड़ित करते चले आ रहे हैं, जिसकी सूचना उसने विभागीय अधिकारियों को दी थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। जिसके बाद विशाल वर्मा ने सराय खास फाटक पर पहुंचकर वहां तोड़फोड़ की और उसके साथ गाली गलौच व मारपीट की। गेटमैन सुनील के मना करने पर विशाल वर्मा ने गेटमैन के ऊपर फायर कर दिया।
हमारे साथ घंटा गेट खोलने को लेके हुआ, एक सवा घंटा तक गेट बंद रखा जाता है, जिसके कारण हमने उससे गेट खोलने की अनुमति मांगी, नहीं दिया, वो बार बार गाड़ी लिखाते जा रहा। इसके कारण हमने मान लिया यहाँ पे एक गुंडा का PW मतलब आया था, वो स्टेशन SS सर, उन्होंने TI को कॉल किया। TI को कॉल करने के बाद ये हमें गाली गलौज करने लगा, उसके बाद जान से मारने की धमकी दी, और यहाँ शाम में ड्यूटी छूटते ही वो आया और हम पे फायर करके चला गया। बाल बाल बचे हैं बताइए, हमारे पाए हमारे सर पे लग जाता, हम लोग कैसे तरफ के भागे हैं। गोली चलाने वाले कौन थे? विशाल वर्मा स्टेशन मास्टर है यहाँ का टोडरपुर। खबर औरैया से है, जहां थाना परिसर में थाना दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में राजस्व टीम के अलावा थाना अध्यक्ष राम सराय पटेल के साथ बड़ी संख्या में पुलिस स्टाफ मौजूद रहा। वहीं इस दौरान थाना अध्यक्ष ने सभी फरियादियों की शिकायतें सुनी और राजस्व टीम को दिशा निर्देश देते हुए मौके पर पहुंचकर जांच करके फरियादियों की समस्याओं का निस्तारण करने को कहा। वृंदावन के धर्मनगरी वृंदावन में 2 साल की मासूम बच्ची को अगवा किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। घटना के बाद से माता और पिता का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर बच्ची की तलाश शुरू कर दी है। पीड़िता सुनीता के मुताबिक रात को वो उसके पति और बच्चे कोठरी के बाहर सो रहे थे। रात करीब 2 बजे पति की नींद टूटी तो बच्ची गायब थी। पति ने पत्नी को जगा कर बच्ची के बारे में बताया तो उसके भी होश उड़ गए। आसपास काफी देर तलाशने के बाद भी बच्ची का कुछ पता नहीं चला। सुनीता जी, आपका बच्चा लापता हुआ है, कितनी उम्र थी बच्चे की? 2 साल की बच्ची है। तो कहाँ से ये चोरी हुई बच्ची? इधर लेटे थे। कौन कौन सोया हुआ था साथ में? कोई भी नहीं, हमारा आदमी, ये बच्चे, बस 2 जने, हम भी अभी भी, कोई भी नहीं सोया इधर। तो आपको कब पता चला, कितने बजे पता चला? वो एक बाबा ने आया इधर लेटनी करने रात को, उन्होंने बोला, कह रहा एक मोटा मोटा सा है, बनियान पहने, वो ऐसा साफी लगा के गया है इधर को लेके, इधर की तरफ ले गया। हाँ। कितने बजे की बात है ये रात को? ये 1:30 बजे की। खबर मथुरा से है, जहां आर्यवर्त बैंक ने ऋण वितरण समारोह का आयोजन किया और इस ऋण वितरण समारोह में सरकार के निर्देश के अनुसार 30 लोगों को ऋण वितरित किया गया। आपको बता दें कि मथुरा के होटल में आयोजित इस कार्यक्रम में टास्क फोर्स और वित्त मंत्रालय के महाप्रबंधक शिव प्रकाश यादव ने इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। बहुत सारी भारत सरकार की योजनाएं चल रही हैं, जिसमें से सबसे प्रमुख योजना है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, जिसमें किसान भाई ग्रामीण गोदाम के लिए आवेदन कर सकते हैं, या अगर वो कोल्ड स्टोरेज, मिनी कोल्ड स्टोरेज लगाना चाहते हैं, या राइस हलर लगाना चाहते हैं, मिनी दाल मिल लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए सरकार ने ये योजना जारी की है, और इसमें 2 करोड़ तक के का ऋण जो है बैंक से प्राप्त कर सकते हैं, जो कि कोलेटरल फ्री ऋण है, और जिसमें 3% का ब्याज में अनुदान है। आज 30 करोड़ रुपए का ऋण प्रवाह कार्यक्रम कराया गया है, और यहाँ पे ऋण जमा अनुपात को और अधिक बढ़ाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के जो महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है उन्हें आगे बढ़ाने के लिए ऋण प्रवाह कार्यक्रम जारी रहेंगे, और मथुरा जिले में जो ऋण प्रवाह कार्यक्रम है ये 101 करोड़ रुपये का अभी बहुत जल्दी और हम कराएंगे। तो कितना ऋण माना गया? अभी 30 करोड़ रुपए का ऋण प्रवाह कार्यक्रम हुआ है। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम TV।